परिचित कराने वाले हैं 17वां लोकसभा के कैंडिडेट हाम्रो सिक्किम पार्टी के श्री विराज अधिकारी, और वो 18 रिनोक निर्वाचन क्षेत्र से भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और उनको इसी 2019 के चुनाव में चर्चा परिचर्चा करने के लिए हम आज उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं आप लोगों को, जो देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसी विषय में इनसे हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। सर्वप्रथम तो सिक्किम की जनता हाम्रो सिक्किम पार्टी पे क्यों निर्भर होके मतदान करे, इस विषय में जानकारी दीजिएगा। क्योंकि यही एक पार्टी है जो कि एक नया सोच, एक नया विचार लेके आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से हमने आज ही मतलब मैनिफेस्टो भी रिलीज किया है, अगर लोगों ने उसको अच्छी तरह पढ़े तो आपको पता लगेगा कि मतलब हमारा जो डायरेक्ट एक फोकस है उसमें हमने क्या फोकस किया है कि मतलब जो चीज ये सरकार दे रही थी अभी तक उसको मतलब देवर यूजिंग इट इन टर्म्स ऑफ मतलब कि एक पॉलिटिकल टूल, बट ये एक्चुअली में यूनिवर्सल राइट्स है। तो जो हमने आज अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें ये आपको साफ दिखाई देगा कि हर चीज में हमने जो यूनिवर्सल राइट्स है उसमें हमने इसमें ठुकवा दिया है। तो इसी तरह से हम यही बोलते हैं कि सिक्किम में भी इस टाइप का पार्टी आज तक नहीं आया था, तो इसीलिए हम बाकी पार्टियों से कुछ अलग है। और आपका विशेष मकसद क्या है एमपी होने के बाद, अगर आप जीत जाएंगे तो सिक्किम के हित के लिए क्या क्या कर सकेंगे, इस विषय में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, मैं लोकसभा के लिए भी खड़ा हूं और मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी रीना 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी खड़ा है जैसे आपने कहा। अब करना तो अगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे वोट दें, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं, रीना के लिए भी करना चाहता हूं और सिक्किम के लिए भी करना चाहता हूं। क्योंकि जैसे आपने पूछा मुझे कि मैं क्या करूंगा पहले, तो जब अगर लोगों ने मेरे को वोट देकर एमपी बनवाया तो द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इसकी ये जो विवाद है हमारे जो 371 एफ के ऊपर, ये विवाद को मतलब समाधान करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। कोशिश तो नहीं, मैं तो इसको पक्का करवा के रखूंगा, क्योंकि आज ये मैं एकदम ठोकवा दे के बोल सकता हूं कि मेरे पास जो अनुभव है शायद कोई और प्रत्याशी के पास नहीं है। तो वो अनुभव लेके आज मैं ये जाके जो 45 साल में जो सॉल्व नहीं हो पाया आज तक, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं विद इन माई 5 ईयर के लिए। और जैसे कि आपके विरुद्ध एमपी में खड़े हुए हैं 10 प्रत्याशी, आपको लेके 11 प्रत्याशी हैं, तो उनको आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं, इस विषय पर भी जानकारी दीजिए। देखिए, अब प्रत्याशियों को तो मुझे कुछ नहीं संदेश देना है, वो भी मेरी तरह प्रयासी है मतलब, बट द थिंग इज कि हम लोग सारे प्रयासी खड़े हैं एक लाइन पे और जनता को देखना है क्या? और ये मैं एकदम कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जनता के सामने ये 20-22 साल में जो हम लोगों ने काम किया, जो मैंने खुद भी किया हूं, तो वो शायद जनता ने देखा हुआ है। और मैं जो मेरा अगर कोई भी लगन, मैं सिक्किम के लिए मैंने कुछ किया हूं, हमारे बच्चों के लिए मैं कुछ किया हूं, हमारे पोता पोती के लिए हमने कुछ किया है आज तक, तो मैं सोचता हूं कि शायद जनता ने भी देखा हुआ है। और अगर मेरा कोई सैक्रिफाइस है इसमें, तो मैं सोचता हूं कि आज जनता का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा इस मामले में। तपाईहरुको जुन चाहिँ मेनिफेस्टो लन्च भयो त्यस विषयकै जानकारी दिनुहोस्, हाम्रो आज मेनिफेस्टो जुन सिक्किमको हितमा हामीले मेनिफेस्टो लन्च गर्दैछौँ, सिक्किमको इस्युजहरू जुन छ त्यसको आधारमा हामी सिक्किमको डाइभर्सिटी रेस्टोर गर्ने हुनाले त्यसको साथसाथ इस्युजलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा मेनिफेस्टोमा आज लन्च गर्यो, जस्तै राइट टु इक्वालिटी, राइट टु सोसियल जस्टिस, राइट टु प्रोपर्टी, राइट टु स्पोर्ट्स, अधिकार जुन प्रकारले पाउनुपर्ने जुन चाहिँ हामीले योजना हामी सुरु गरेको थियो, त्यो योजना पनि हामीले मिनिमम 1500 कमाउनु पर्यो, 5 जना फ्यामिलीमा 8 जना इन्जिनियरको आमा बाबा चाहिँ 7500 कमाउनु पर्यो, त्यसले चाहिँ आज सिक्किमको पनि भन्नुहुन्छ सारा सिक्किम स्पेसली गरिब वर्गमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कारण अहिले चाहिँ हाम्रो सिक्किमको धनहरू हुनेहरूले मात्रै पाएको छ, गरिबले पाएको छैन,
धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज 99.24 x 7 और ऐसे ही हम चुनाव के माहौल में आप लोगों को उम्मीदवार से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।